सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और हम बात करेंगे अरुणा रामचंद्र शानबाग केस की। क्या राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राइट टू डाई या राइट टू डाई विद डिग्निटी इंक्लूडेड है? ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास कई बार कई केसों में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग जजमेंट में अलग अलग ढंग से इसको इंटरप्रेट किया है। अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस ऐसा है कि इसमें एक नर्स अरुणा रामचंद्र शानबाग 1973 में जब अपना काम करके KEM मेडिकल कॉलेज के किसी एक कमरे में अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है, उस समय उसी हॉस्पिटल का एक स्वीपर आकर उस पर अटैक करता है, उसको एक चेन से उसके गले को दबोच लेता है और उसके बाद उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। तो उसके बाद स्वीपर वहाँ से चला जाता है और वो समझता है कि ये मर चुकी है या ये बेहोश है, जो भी है। और जब वो चला जाता है तो तकरीबन 12 घंटे 15 घंटे बाद हॉस्पिटल का स्टाफ देखता है कि अरुणा रामचंद्र शानबाग अनकॉन्शियस वहाँ पड़ी हुई है और लंबे समय तक उसके दिमाग में ऑक्सीजन ना पहुंच पाने के चलते वो ऐसे कहिए कि वो कोमा में चली गई। अब 1973 से लेकर के 2009 तक वो KEM मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में वेजिटेटिव स्टेट में, हम कह सकते हैं, यानी कि उसका वो जिंदा तो है लेकिन वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को रिस्पोंड नहीं कर पा रही है, ना ही वो अपनी सराउंडिंग के बारे में जानती है। और ऐसी सिचुएशन पर उसकी ज़िंदगी पर किताब लिखने वाली एक महिला पत्रकार जो है एक पिटीशन एज ए नेक्स्ट फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में आते हुए करती है कि उसकी हालत ऐसी है कि उसको यूथनेशिया के द्वारा जो है उसको डिग्निटी के साथ मरने दिया जाए। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप भले ही उनकी नेक्स्ट फ्रेंड हैं, आप उनको जानती होंगी, आपने उन पर लिखा भी होगा, लेकिन आपसे बेहतर सिचुएशन में KEM मेडिकल कॉलेज का स्टाफ और मैनेजमेंट है जो पिछले तकरीबन 35-37 सालों से उसकी देखभाल कर रहे हैं। और इस केस में फिर KEM मेडिकल कॉलेज से भी इसके बारे में पूछा जाता है और सुप्रीम कोर्ट एक 3 डॉक्टर्स की टीम बनाते हुए, मेडिकल बोर्ड बनाते हुए उसका भी ओपिनियन लेता है। जो मेडिकल टीम होती है, जो डॉक्टर्स की टीम होती है, वो भी उसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करती है। उनकी अरुणा रामचंद्र शानबाग की एक जो ये कहिए कि एक छोटी एक फिल्म बना करके उसकी भी स्क्रीनिंग सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में जो दुनिया भर में यूथनेशिया से संबंधित जो प्रोविज़न है अलग अलग देशों में, यूरोपियन देशों में, अमेरिका में, उसका डिस्कशन किया जाता है। पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया यानी मर्सी किलिंग जो होती है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है और उसको अगर कोई जहर दे करके या कोई ऐसे टेक्निक से उसको मार दिया जाता है, जैसे कोई पॉइजन दे करके, पॉइजनस इंजेक्शन दे करके उसको मार दिया, वो एक्टिव यूथनेशिया है। एक पैसिव यूथनेशिया वो होगा जैसे कि कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा है या कोई व्यक्ति जैसे दवाइयों पर जिंदा है और अगर उसको उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए या उसको दवाई देना बंद कर दिया जाए जिसके बेसिस पे वो जिंदा है, तो उसकी जो डेथ जो है आप एक्सेलरेट कर लेते हो और वो व्यक्ति जो उस स्टेज में है, मतलब जो किसी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर डिपेंडेंट है, उसके चलते जब वो उसके पास नहीं रहेगा तो वो जल्दी उसकी जान चली जाएगी। ये है पैसिव यूथनेशिया। तो इन दोनों पर बात हुई और इन सब पर बात होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि इसमें जो उसके रिलेटिव्स होते हैं ये क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में कल को ये भी दिक्कत आ सकती है कि एक रिलेटिव ये चाहे कि इस मामले में उसको पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जाए, दूसरा ये चाहता है कि नहीं किया जाए, फिर डॉक्टर्स की क्या राय है, फिर इसमें मोरालिटी के इशू हैं। तो इस तरह की बातें भी उस केस में डिस्कस की गई। इन सब बातों को ध्यान में देखते हुए और
कोर्ट ने जो दुनिया भर में कानून है, जो इस समय प्रिवेलेंट कानून था, उन सबको देखते हुए एक गाइडलाइंस इशू की, जिसमें ये कहा गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी जरूर है। और उस केसेस में जो स्पेसिफिक केसेस होंगे, उन केसेस में जो है कोई भी व्यक्ति जो चाहता है, जो नेक्स्ट फ्रेंड है, जिस सिचुएशन में व्यक्ति अपना डिसीजन नहीं ले सकता, जो कोमा में है या वेजिटेटिव स्टेट में है, उस कंडीशन में उसका जो रिलेटिव या नेक्स्ट फ्रेंड जो भी है, वो हाईकोर्ट, अप्रोप्रिएट हाईकोर्ट में जाए, और हाईकोर्ट जो है वहाँ पर मेडिकल टीम बनाए 3 डॉक्टर्स की, जिसमें एक साइकेट्रिस्ट हो, एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, एक जनरल फिजिशियन हो, और वो फिर अपना ओपिनियन दें। उसके बाद जो उसके रिलेटिव्स हैं वो भी, उनको भी कोर्ट में सुना जाए, और उसके बाद डिसाइड किया जाए। और ऐसी जो पिटीशन जब भी हाई कोर्ट के पास आए तो वो टाइम बाउंड मैनर में ये सब करें, क्योंकि इससे कई तरह की डिले होने पर जो नेक्स्ट फ्रेंड है उनकी भी प्रॉब्लम बढ़ती है, और पेशेंट के साथ भी दिक्कत होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में ये गाइडलाइंस दी थी कि पैसिव यूथनेशिया परमिसिबल है, लेकिन उसके लिए उस सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस जारी की कि जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसा लगता है कि कोई उनका रिलेटिव वेजिटेटिव मोड में है या वो ऐसी सिचुएशन में है जो लंबे समय से कोमा में है, तो उनको पैसिव यूथनेशिया या मर्सी किलिंग उनकी कैसी हो सकती है, तो उसमें हाईकोर्ट में जा करके हाईकोर्ट में जो डिवीज़न बेंच इस पर इस केस को सुनेगा, और जो डिवीज़न बेंच सुनेगा वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखेगा, मेडिकल रिपोर्ट में जो भी लोग इंगेज किए जाएंगे मेडिकल बोर्ड में, उनको जो भी मेहनताना जो उनका होता है वो दिया जाएगा। ये सब प्रोविज़न उसमें दिए गए, और ये बताया गया कि इस तरह से किया जा सकता है। तो इसके चलते भारत में एक तरह से राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इसमें है, लेकिन इसमें केस टू केस ये डिपेंड करेगा। और इसके बाद भी अगले कई सालों तक हाई कोर्ट्स में ऐसे केसेस नहीं आए, क्योंकि लोगों को लगा कि ये जो प्रोविज़न थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे कि हाई कोर्ट ऐसा करे और ऐसा प्रोसीजर लेट डाउन किया गया, तो वो प्रोसीजर अपने आप में ऐसा लगा कि जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, और उसके चलते अगले कई वर्षों तक हाई कोर्ट्स में ऐसे केसेस आए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ऐसे केसेस में फिर जो व्यक्ति खुद का डिसीजन नहीं ले सकता और दूसरे उसके बाद बारे में डिसीजन ले सकते हैं, उस केसेस में मिसयूज होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। इसी चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्ट्रिंजेंट थोड़ा गाइडलाइंस लेट डाउन की, लेकिन उसके बाद जब ये सब इन मामलों में कुछ नहीं हुआ, तो कॉमन काज नाम की एक NGO ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक पिटीशन फाइल की, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन देते हुए ये किया कि अब हाई कोर्ट की बजाय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रोच किया जा सकता है, और वहाँ पर ऑलमोस्ट वही जो हाई कोर्ट के लिए किया गया था वैसे ही वो 3 डॉक्टर्स की टीम वो डिसाइड करे और उन मामलों को डिसाइड किया जाए, ऐसा बाद के कॉमन काज के केस में हुआ है। लेकिन अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में ये कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को परमिसिबल करार दिया आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन उसमें जो कंडीशन उन्होंने रखी वो फुलफिल करनी थी, और वो हाई कोर्ट के द्वारा वो सब आगे की जो गाइडलाइंस थी वो केस टू केस उस केस को एग्जामिन करते हुए डिसाइड किया जा सकता था। तो ये है अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस, जो कि पैसिव यूथनेशिया या पैसिव मर्सी किलिंग के बारे में है। आपको कैसा लगा ये केस, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी दें। धन्यवाद।